ओके सो स्टूडेंट, आज हम फिजियोलॉजिकल डिवीजन देखेंगे सेरिबेलम की, और बहुत ब्रीफली जो है वो मैं इसके फंक्शंस को आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे पहले हमने सेरिबेलम की एनाटॉमिकल डिवीजंस, ठीक है, उसके अलावा इसके एफ्रेंट ईफ्रेंट, इसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट था ये वाला सारा पाथवे, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मैकेनिज्म जो काफी इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया हुआ है। अब ब्रीफली हम इसके फिजियोलॉजिकल डिवीजन, इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे एंड देन बेसल गैंग्लिया की तरफ जाएंगे। सो बेसिकली फिजियोलॉजिकली हम सेरिबेलम्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बस आपको इनके नाम और इनका बेसिक फंक्शन आना चाहिए, ऐसे डिटेल हमें करनी भी नहीं है। सो हमारे पास जो सेरिबेलम है बच्चों, इसकी फिजियोलॉजिकल डिवीजन में तीन पार्ट्स आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है वेस्टिब्यूलोसेरेबेलम, ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्पाइनोसेरेबेलम एंड देन आता है सेरेब्रोसेरेबेलम। पहले मैं वेस्टिब्यूलोसेरेबेलम की बात करती हूँ। जो वेस्टिब्यूलोसेरेबेलम है ना, इसमें हमारे पास कौन से रीजन्स आ जाते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब की लॉन्गिट्यूडनल डिवीजंस देखी थी, उसमें हमने कहा था मिडिल में हमारे पास ये होता है वर्मिक्स, ठीक है, ये होता है इंटरमीडिएट एरिया, एंड देन हमारे पास होता है ये लेटरल एरिया, ठीक है, और यहाँ पे पड़ा होता है नीचे फ्लोकोनोड्यूलर लोब। तो बच्चों ये जो वर्मिक्स का एरिया है और ये जो फ्लोकोनोड्यूलर लोब है, ये वाले दोनों एरियाज मिलकर ना हमारे पास वेस्टिब्यूलोसेरेबेलम बनाते हैं। तो वेस्टिब्यूलोसेरेबेलम में क्या चीजें आती हैं? वर्मिक्स आ जाता है, ठीक है, और फ्लोकोनोड्यूलर लोब आ जाती है, ठीक है। और ये किस चीज के साथ कंसर्न है? ये हमारी बॉडी की पोस्टरल मूवमेंट्स के साथ और इक्विलिब्रियम के साथ कंसर्न है। अगर ये फ्लोकोनोड्यूलर लोब डैमेज होगा, वर्मिक्स वाला एरिया डैमेज होगा, या वेस्टिब्यूलर सेरिबेलम का पूरा पोर्शन डैमेज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम हम मेंटेन नहीं कर सकेंगे व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल रनिंग। बॉडी के जो पोस्टरल मूवमेंट है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है वो मेंटेन नहीं हो सकेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो वेस्टिब्यूलर सेरिबेलम है, ये एफ्रेंट्स कहां से ले रहा होता है बच्चों? ये एफ्रेंट्स लेता है वेस्टिब्यूलो एपरेटस से और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लाय से, ठीक है। और ईफ्रेंट जो है इसी वेस्टिब्यूलर रीजन के अंदर, आपको याद हो तो हमारे पास एक डीप सेरिबेलर न्यूक्लाय है, स्टीजियल निकला है, वहां से इफ्रेंट्स जाती हैं जो बॉडी के इक्विलिब्रियम और पोस्टरल मूवमेंट को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अगर ये एरियाज डैमेज होंगे तो हम इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकेंगे अपनी बॉडी का। उसके अलावा उसने चीज़ का जिक्र किया हुआ कि कंट्रोल बैलेंस मेंटेन करने के, कंट्रोल करने के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो ये कि जब हम बच्चों भाग रहे हैं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो हमारी पेरिफेरल बॉडी से ब्रेन की तरफ जानी है ना, अगर हम बहुत फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन भेजें तो 15-20 मिली सेकेंड्स लग जाते हैं इस इन्फॉर्मेशन को वहां जाने में। तो अब हर स्टेप के बाद ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाए, और इससे पहले कि ब्रेन इतने टाइम डिले के बाद डिसाइड करे कि अगला स्टेप क्या होगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो वेस्टिब्यूलोसेरेबेलम होता है ना, ये एडवांस में ही रेट को, डायरेक्शन को जज कर लेता है, और सिक्वेंशियल स्टेप के लिए प्लानिंग इसने इन एडवांस की होती है, इसीलिए ये हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो जो एडवांस प्लानिंग होती है हमारी वो नहीं हो सकेगी, और हम थोड़ा कदम चलने के बाद या भागने के बाद में भी रुक जाएं, फिर हम वेट करेंगे मोटर कॉर्टेक्स एरिया से अगेन सिग्नल्स आए एंड देन हम उस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो एडवांस मूवमेंट को या हमारी सिक्वेंशियल मूवमेंट को जो स्पेसिफिक होती है और प्रोग्रेशन होती है स्पेशली जो मूवमेंट्स की, रनिंग से फिर हम वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम रन करना स्टार्ट कर देते हैं, जंपिंग, तो ये जितनी भी प्रोग्रेशन है ना, ये सारी की सारी भी सेरिबेलम ही डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो वेस्टिब्यूलोसेरेबेलम इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हमने देख लिया, ठीक है। अब सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है स्पाइनोसेरेबेलम। अब इसमें से जो स्पाइनोसेरेबेलम के रीजन होते हैं ना, कुछ वर्मिक्स का पोर्शन होता है, ठीक है, और मेनली जो इंटरमीडिएट पोर्शन है वो होता है, ठीक है। अब क्योंकि स्पाइनोसेरेबेलम इंटरमीडिएट पोर्शन ज्यादा होता है, तो अगर इंटरमीडिएट पोर्शन की आपको टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था ये हमारे जो लिम्स हैं उनके डिस्टल पोर्शन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब स्पाइनोसेरेबेलम का फंक्शन आपने यहाँ से याद रखना है, गाइडन में भी बताया हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्पाइनोसेरेबेलम है तो इसके पास दो तरह से एफ्रेंट्स आ रहे होते हैं, एक तो ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स एरिया से इसके पास सिग्नल्स आते हैं, और अगर हमने इस हैंड को कोई काम दिया हुआ परफॉर्म करने के लिए इसने दिया, ठीक है, तो यहाँ से भी फीडबैक सिग्नल्स वहाँ पे वापस जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये स्पाइनोसेरेबेलम करता क्या है कि जो मोटर कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन दी गई है मूवमेंट के लिए और जितनी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करता है कि क्या जितनी मोटर कॉर्टेक्स कह रहा है कि मैंने काम करने को कहा है हैंड्स उतना काम कर रहे हैं कि नहीं, इन दोनों मोशंस मूवमेंट्स को या दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करता है। अगर तो वो ठीक हो तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो तो फिर ये करेक्टिव सिग्नल्स भेजता है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसको कहता है कि अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ और इन मसल्स को भी अरेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचती हूँ कि मैंने ना बहुत स्ट्रेट चीज लिखनी है, मेरे दिमाग में मोटर कॉर्टेक्स एरिया से मुझे यही सिग्नल आ रहे हैं कि मैंने एक चीज जो है वो बहुत स्ट्रेट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, लेकिन पहली दफा मुझसे स्ट्रेट नहीं लिखी जा रही, ठीक है, ये यू टेढ़ी मेढ़ी लिखी गई। अब स्पाइनोसेरेबेलम में ये दोनों सिग्नल्स जाएंगे, फिर स्पाइनोसेरेबेलम करेक्टिव सिग्नल्स भेजेगा और मेरे जो ये लिम्स के डिस्टल पोर्शंस है ये 3-4 दफा मूवमेंट परफॉर्म करने के बाद सीख जाएंगे कि किस तरह से हमने स्ट्रेट मोशन जो है वो या स्ट्रेट कोई भी टास्क परफॉर्म करना है उसमें करेक्शन ये स्पाइनोसेरेबेलम लेके आता है। तो याद रखना है स्पाइनोसेरेबेलम दोनों तरफ से सिग्नल्स लेता है, मोटर कॉर्टेक्स से भी और पेरिफेरल बॉडी से भी, स्पेशली क्या है डिस्टल पार्ट्स हैं जो हमारी लिम्स के, और फिर उन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करता है एंड देन करेक्टिव सिग्नल सेंड करता है और करेक्शन लेके आता है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ कि जो सेरिबेलम होता है, स्पाइनोसेरेबेलम ही ये इन्वॉल्व होता है असल में डैम्पिंग फंक्शन प्रोवाइड करने में, ठीक है। अब डैम्पिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों? अच्छा, कब जब भी कोई भी हमारी आर्म की मूवमेंट फॉर एग्जांपल होगी, अगर हम अपनी आर्म्स को मूव कराएंगे ना, तो मूवमेंट जब भी होती है, अब हमारी बॉडी की जो मोस्टली मूवमेंट्स है ना वो पेंडुलर है, ठीक है, पेंडुलर का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन है और उनमें मोमेंटम डेवलप होता है, ठीक है। तो आर्म जब मूव करेगी तो इसमें क्या डेवलप होगा? मोमेंटम डेवलप होगा, ठीक है। अब इस मोमेंटम को
मोमेंटम को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मूवमेंट को स्टॉप करने से पहले, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल एक इंटेंडेड पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से आर्म को मूव कराया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक जब आर्म ने मूव किया और मैंने सोचा है मेरा भी सेरिबेलम इंटैक्ट है और मैंने सोचा है कि जो मेरी आर्म यहाँ तक मूव करके गई है मैं वापस उसे इंटेंडेड पॉइंट पे ले आऊँ, उसी जगह पे ले आऊँ, तो एकदम से मैं ले आऊँगी। जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, मैं लिखती हूँ लेकिन मैंने सोच लिया मैंने रुकना, तो मैं एकदम उसी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे जहाँ मैंने सोचा कि मैं रुकूंगी, रुक जाती हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारी टांगों की आर्म से कभी भी मूवमेंट हो रही होगी और हम सोचेंगे कि इस जगह पे हमने रुकना है या ये एक फिक्स पोजीशन है आर्म की, इसे अपनी वापस जगह पे आना चाहिए, तो बगैर किसी ताखीर के नॉर्मली हमारी आर्म या जो भी चीज़ है वो वापस अपनी जगह पे उसी टाइम आ जाती है। ये तब होता है जब सेरिबेलम हो, यानी मूवमेंट को हम क्या करते हैं, एकदम स्टॉप करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर किसी का जो सेरिबेलम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल टेंडेंट पोजीशन है, ठीक है, और आर्म मूव करके यहाँ तक गई है, ठीक है, यहाँ तक जब वो गई है उसके बाद क्या हुआ कि अब क्योंकि सेरिबेलम तो इंटैक्ट नहीं था तो ये मूवमेंट ओवरशूट कर गई, ठीक है, ये मूवमेंट अब कितनी हो गई, ओवरशूट हो गई और एक्सेसिव हो गई। इस एक्सेसिव या ओवरशूट मूवमेंट को हमारा जो ब्रेन है या कॉन्शियस सेंटर है वो जज करेंगे और कॉन्शियस सेंटर्स, ठीक है, ये जो मूवमेंट थी ना ये अनकॉन्शियसली हो रही होती है। मैं कुछ लिख रही हूँ और अगर मैंने रुकना है अपने हाथों में रोक लेती हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे कोई इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ता या एक्स्ट्रा पावर नहीं लगानी पड़ती। लेकिन जब सेरिबेलम नहीं है और मूवमेंट्स ओवरशूट कर रही हैं तब कॉन्शियस सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है, वो सोचता है कि इस मूवमेंट को ना अपनी जगह पे लाने के लिए मैं क्या करता हूं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करता हूं, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो अपनी जगह पे वापस आ सकती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कॉन्शियस सेंटर ना इस आर्म की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करवाता है, आर्म की या किसी भी बॉडी पार्ट की अगर आप बात करें, ठीक है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये जब इसको ऑपोजिट पार्ट में मूव कराते हैं ना तो मूवमेंट जो है, क्योंकि सेरिबेलम नहीं है, एक स्पेसिफिक जगह पे रुकना मुमकिन नहीं है, तो ये जो मूवमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ओवरशूट कर जाती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काफी ज्यादा ओवरशूट कर जाएगी और फिर क्या होगा कि ये मूवमेंट जो है वो इस तरह होती रहेगी, ये जो इसकी इंटेंडेड पोजीशन है इसके टू एंड फोर्थ गुजरती रहेगी और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आके ये अपनी जगह पे आ जाएगी। अपनी जगह पे तो आ गई है लेकिन ये आपने देखा किस तरह से जो है वो हमारे पास एक पैटर्न डेवलप हुआ है और मूवमेंट को स्टॉप करने में काफी टाइम लगा है। अगर तो सेरिबेलम इंटैक्ट हो, जैसे ही हमने सोचा हमने अपनी किसी भी आर्म को, फिंगर को, टो को अपनी पोजीशन पे वापस लाना है, हम फौरन ला सकते हैं। लेकिन अगर सेरिबेलम इंटैक्ट नहीं होगा, कॉन्शियस सेंटर क्या करेंगे, इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ओवरशूट करेगी और फिर अपनी जगह पे आने के लिए काफी ज्यादा चक्कर काटेगी, ठीक है। तो ये जो चक्कर होंगे ना ये ट्रेमर्स होंगे यूजुअली, ठीक है, जैसे ऐसे 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 काफी ज्यादा वाइब्रेशन के बाद हमारी जो चीज होगी वो रुकेगी, तो ये ट्रेमर्स होंगे। और क्योंकि कॉन्शियस सेंटर्स की वजह से ही इनिशिएट हुए हैं तो उनको हम इंटेंशनली हुए ना, हमें पता था इस चीज के बारे में कि ये होगा, तो ये इंटेंशन ट्रेमर्स इसीलिए कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो सेरिबेलम होता है वो बैलिस्टिक मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। बैलिस्टिक क्या बच्चों, फॉर एग्जांपल जब हम टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम टाइपिंग कर रहे हैं और या हम क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम कोई सीन देखते जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी चलती जा रही है, तो उस टाइम जो है वो या हम जब टाइपिंग भी कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन, टाइपिंग इतनी रैपिडली हो रही होती है कि इन्फॉर्मेशन फिंगर से वापस नहीं जा सकती सेरिबेलम में या ब्रेन से सेरिबेलम में, फिर ब्रेन सेरिबेलम को कंपेयर करे और फिर टीकर, बल्कि टाइपिंग तो हम बहुत रैपिड करते हैं ना, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं वो प्री प्लैंड होती हैं, यानी सेरिबेलम और ब्रेन मिलकर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ तक इसने टाइप करना है और कितनी स्पीड में करना है, ये सारी प्री प्लैंड मूवमेंट होती हैं। तो ऐसी मूवमेंट को हम बैलिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। जब हम गुजर भी रहे हैं या बुक रीड कर रहे हैं तो किस तरह हमारी आईज की पोजीशन चेंज होती जाती है, ठीक है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो ये प्री प्लैंड मूवमेंट्स होती हैं और इनमें भी सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है, इनको हम बैलिस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाएगा तो ये मूवमेंट्स काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगी जो यहाँ मेंशन की है। उसके बाद हमारे पास एंड वाला बच्चा था सेरिब्रोसेरिबेलम। तो सेरिब्रोसेरिबेलम में बच्चों ये जो हमने देखे जोन्स सेरिब्रोसेरिबेलम में ना, ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वेस्टिब्यूलोसेरिबेलम में ये दोनों थे और ये दोनों मिलकर स्पाइनोसेरिबेलम में थे और ये अकेला जो है ये सेरिब्रोसेरिबेलम में, आप क्योंकि ये लेटरल जोन है और हमने कहा था मोटर कॉर्टेक्स के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है और ये कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में और उनके सीक्वेंसिंग में और उनके टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बुक में भी बताया हुआ है कि ये हमारे पास प्लानिंग में सीक्वेंशियल मूवमेंट की इन्वॉल्व होता है, उनके टाइमिंग वगैरह के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और कोई भी सीक्वेंस मूवमेंट, जैसे मैं सोचूं मैं यहाँ से उठूंगी, फिर किचन जाऊंगी, खाना खाऊंगी, तो जितनी सारी मूवमेंट्स है ना सीक्वेंशियल मूवमेंट्स, उनके लिए ये सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देख लिया कि सेरिबेलम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसल गैंग्लिया।